घर के लेके आया था वो लंका। समय रहते रहते ब्याज और मूलधन दोनों लेकर चली आना, लेकिन तू हवेली को सूरत दिखाने नहीं आई। हराम शादी आज काली चौधरी एक एक पाई पाई का हिसाब तुझसे लेकर जाएगा। अगर तूने मेरा कर्ज माफ नहीं किया तो देख तेरे ही घर में मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। हराम शादी अपनी हवेली लेकर जा रहा हूँ। नहीं नहीं चौधरी साहब, नहीं, भगवान के वास्ते हमारी बहू को छोड़ दीजिए। चौधरी साहब इसे छोड़ दो, मैं एक हफ्ते में मैं आपको पैसा सब दे दूंगी, सब चुका दूंगी, आपको पैसा दे दूंगी मैं आपको। ठीक है शारदा, अगर तू कहती है तो मैं तुझे एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर तू रुपए लेकर नहीं आई, दोबारा मुझे आना पड़ गया तो याद रहे मैं तेरी झोपड़ी को आग लगा दूंगा। पैसा नहीं है, मैं कहां से पैसा दूंगी काली चौधरी को, कहां से दूंगी। हे भगवान, आज हमारा बेटा दीवा होता तो जिस तरीका से ये काली चौधरी हमें मार रहा था, तुम्हें मार रहा था ना, हमारा बेटा दीवा हमें जरूर बचाता और तुझे जरूर बचाता, लेकिन समाज के जालिमों ने मार डाला हमारे बेटे दीवा को। लेकिन बहू, अभी आज से अपना घर
ये अपना गांव छोड़ देंगे बहू, यहाँ नहीं रहूंगी क्योंकि ये बड़े लोग हैं, ये गरीब आदमी को नहीं जीने देंगे। और फिर ये पैसा कहाँ पाऊंगी मैं, कर्जा अदा नहीं कर पाऊंगी मैं, कहाँ से लाऊंगी पैसा मैं बहू। ऐसी दुनिया में नहीं, ऐसी दुनिया में नहीं बहू मेरा बुझा। प्यास
पास से जान कर ले जाएगी, वो खियार प्यास से जान कर ले जाएगी। एक पल न मुझसे चला सुनो बहू, तुम चिंता मत करो, सब्र दिल में करो मेरी प्यारी बहू, मांग कर भी कि तुझी को खिलाऊंगी मैं, ईश्वर पर तुम भरोसा कोई नहीं होता है, उसका भगवान होता है। देख जितने हमारे भैया लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये सभी लोग हमारी मदद करेंगे, हम गरीब को मदद करेंगे। हे गांव के लोगों, आज अपने बहू के लिए मैं भीख मांगने जा रही हूँ। दो दिन से हमारी बहू कुछ खाई नहीं है, ना तो हमारे पास कुछ खाने के लिए ना तो खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ लाके खिला दूं अपने बहू को, कुछ नहीं मेरे पास, हमारी मदद करो। आज हमारी बहू आप लोग के पास में आ रही है, इसे अपनी बेटी समझकर, अपनी बहन समझकर 10-5 रुपये भीख में दीजिए भैया। ऐसी मुसीबत किसी को न दे, मौत दे दे लेकिन किसी को बदनसीबी न दे। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे बच्चों के किलकार से गूंजे तेरा घर का। बहू देखो वो बाबा जी पैसा दे रहे हैं, वहां चली जाओ, क्योंकि गरीबी की हालत जानते हैं, भगवान ने सुखी रखे। भूखे गरीब की ये ही दुआ है, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों।
पैसे मिल गए हैं, अब इसी पैसे से मैं अभी राशन लाऊंगी। हराम जादी हमारी रियासत में भीख मांग कर तू हमारा ही रुपया अदा करना चाहती है? नहीं चौधरी साहब, इस रियासत में भीख मांगने वालों के लिए एक ही सजा है, नहीं काली चौधरी उनके हाथ कटवा कर नहीं देता है। नहीं चौधरी साहब, ऐसा मत कह। इस बस्ती के रहने वाले लोगों ने तेरी मदद किया है, तुझे रुपया मिला है ना, इन रुपयों से तू अपनी बहू के लिए खाना पानी लेकर आएगी? लाए रुपए मुझे दे। नहीं, लाओ रुपए मुझे दे। नहीं चौधरी साहब, नहीं ऐसा मत कर। चौधरी साहब, ये पैसा मैं दे दूं, ये पैसा दे दूं, मुझे हमारी बहू भूखी है, खाने के लिए राशन नहीं है। ए शारदा, जिस तरह से 3 दिन से तेरी बहू भूखी है, उसी तरह से 3 दिन से हमारे पालतू कुत्ते मांस के लिए भूखे हैं। इन रुपयों से तेरी बहू के लिए खाना रही, बल्कि काली चौधरी अपने पालतू कुत्तों के लिए मांस मंगवाएगा। चौधरी, इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहा है? अरे क्यों कर रहा है? भगवान के वास्ते पैसा हमें दे दे, ये पैसा मुझे दे दे चौधरी साहब। जुल्म का तांडा तूने अभी कहां देखा है शारदा? ऐसा जुल्म का तांडा फैलाऊंगा कि तू क्या तेरी आने वाली सात नस्लें तबाह और बर्बाद।
मैं सब बताऊंगी, आपसे सब कुछ बताऊंगी विजय बेटा, कुछ नहीं छुपाऊंगी मैं। भीख हूँ मांगती बेटी के वास्ते, खाना खाने को घर में है देवा को मार रहे थे, हमारा बेटा देवा चिल्ला रहा था कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो, उसे किसी ने नहीं बचाया। समाज के जालिमों ने मार डाला हमारे बेटे देवा को। हमारा बेटा देवा इस दुनिया में नहीं रहा विजय, खत्म हो गया। माँ आप चिंता मत करो, जिसने भी हमारे दोस्त देवा को मारा है, मुझे कसम इस वर्दी की, मैं कुत्तों को हाथों में हड्डी लगाकर फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इस वक्त इस समय तुम हमारे साथ चलो मां। विजय बेटा मैं भीख मांग लूंगी, भीख मांग कर अपना पेट पाल लूंगी। मैं आपके सर की बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बातें करते हैं मां, एक दिन तुमने ही कहा था हमारे एक नहीं बल्कि दो दो बेटे हैं, अगर देवा ने न रहा तो क्या हुआ, ये दूसरा बेटा तुम्हारा विजय है, मैं तुम्हारी सेवा उम्र करूंगा। अगर तुम इस वक्त हमारे कहने से नहीं दोगी तो तुम्हें हमारी सर की सौगंध है मां। विजय बेटे तू क्या कह रहा है, तूने अपनी कसम दिलाकर हमें मजबूर कर दिया बेटा, अगर तेरी यही जिद है तो चल बेटा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आओ मां चलो बेटा। आबरू बेसहारो की लाज रखना, या भगवान गरीबों की लाज रखना।